क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन ए नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, इट इज सीन दैट द डिवाइजर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द क्वेशेंट एंड द डबल द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 80 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब इसमें बोला गया है कि किसी संख्या को एक्स एक्स एक नंबर है और उसको डिवाइड किया जाता है तो जो डिवाइजर है वह 4 टाइम्स है क्वेशेंट का और डबल है रिमाइंडर का। अगर रिमाइंडर 80 है तो वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से इसको देखना। सॉल्यूशन 31, एक्स एक नंबर है, इसको डिवाइड किया जाता है तो जो डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर। इसको क्या बोला जाता है, डिवाइजर। इधर क्या होता है, कोएफिशिएंट, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, और इसको डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको बोला जाता है यहां पे रिमाइंडर। तो यहां पे क्या क्या दिया, बोला है जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है कोएफिशिएंट का, डिवाइजर जो है वह क्वेश्चन का 4 टाइम्स है, क्वेश्चन का 4 टाइम्स है, और डबल द रिमाइंडर, और रिमाइंडर डबल है। सबसे पहले तो इसमें दिया है इफ द रिमाइंडर इज 80, इफ द रिमाइंडर इज 80, मतलब इसमें रिमाइंडर दे दिया है 80, रिमाइंडर 80 दिया है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में वहां पे लिखता हूं, बोला है डिवाइजर इक्वल टू 4 टाइम्स क्वेशेंट इक्वल टू डबल द रिमाइंडर, ये है। अपने को रिमाइंडर पता है। अब डिवाइजर और इसको ले लो, ये तीनों इक्वल है। डिवाइजर इक्वल टू 4 इंटू क्वेशेंट इक्वल टू 2 इंटू रिमाइंडर। तो मैं क्या करता हूं, पहले डिवाइजर और रिमाइंडर को ले लेता हूं। डिवाइजर इक्वल टू 2 इंटू रिमाइंडर, हमें डिवाइजर निकालना है, रिमाइंडर पता है 80, तो डिवाइजर कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 हो जाएगा 160। तो यहां पे जो डिवाइजर है वो आ गया 160, डिवाइजर है वो आ गया 160। इसी प्रकार अब ये दो इक्वेशन को ले लो, उससे निकल जाएगा क्वेशेंट। तो देखते हैं इसको, 4 इंटू क्वेशेंट होता है 2 इंटू रिमाइंडर, इस क्वेश्चन में दिया है। तो 4 इंटू क्वेशेंट इक्वल टू 2 इंटू रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 80। क्वेश्चन निकालना है तो 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 80 डिवाइड बाई 4, 2 से ये कैंसल हो जाएगा, ये 2 और ये 40 कैंसल हो जाएगा, बचा क्या 40। तो क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया यहां पे 40। और हमें क्या पता है, हमें पता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो फॉर्मूला लिखा था थोड़ा देर पहले, क्या होता है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर क्या है 160, क्वेश्चन क्या है 40, प्लस रिमाइंडर क्या है 80। सॉल्व कर दो इसको,
सॉल्व कर दो इसको, 4 इंटू 16 क्या होगा, 64 डबल जीरो प्लस 80, फिर इसको सॉल्व करो, 6480 6480, यह आ रहा है। तो जो x है वहां आ जाएगा, यही है x, तो x क्या आया, x आया 6480 6480, यह x का वैल्यू है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या बोला है। टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 201, दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें 201 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वेशेंट इज 9 एंड द रिमाइंडर इज 41, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्ज नंबर इज, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन 32, सबसे पहले है टू पॉजिटिव नंबर इज डिफर बाय 201। सपोज करते हैं दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, ए और बी है, उसमें ए बड़ा है बी छोटा है, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है और ए बड़ा है बी छोटा है। तो सबसे फर्स्ट लाइन बोला है टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 201, मतलब ए और बी के बीच में कितने का डिफरेंस है, ए और बी के बीच में 201 का डिफरेंस है। When, उसके बाद बोला है when the large number is divided by the smaller number, मतलब जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्वेशेंट बचता है 9, मतलब यहां पे बड़ा नंबर क्या है, यहां पे बड़ा नंबर है a, तो जब इसको b से डिवाइड किया जाता है तो क्वेशेंट आता है 9, क्वेशेंट आता है 9 और रिमाइंडर आता है 41, रिमाइंडर आता है 41, क्वेश्चन आता है 9, रिमाइंडर आता है 41। पूछे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो पहले तो नंबर निकालना है। तो अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले ही हमें पता था लिखे थे जो डिवाइडेड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइडेड होता है उसको डिवाइजर और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, फिर से लिख देता हूं मैं, लिखने से याद हो जाएगा। फॉर्मूला डिवाइडेड जो होता है वह होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहां पे डिवाइडेंड जो है वह है ए, डिवाइजर जो है वह है बी, क्वेश्चन जो है वह है 9, क्वेश्चन जो है 9 है और रिमाइंडर है वह है 41। तो ये आ गया, क्या आ गया, ए इक्वल टू 9b प्लस 41, ये आ गया। और ये हमारे पास पहले से एक इक्वेशन था a माइनस बी इक्वल टू 201, तो a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखते हैं क्या होता है। a का वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो a की जगह में क्या जाएगा, 9b प्लस 41, 9b प्लस 41 माइनस बी इक्वल टू 2001, ये हो जाएगा, ये 9b माइनस 1b हो जाएगा 8b इक्वल टू 2001 माइनस 41, 2001 माइनस 41 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1960 ये आ जाएगा। फिर अब इसको डिवाइड कर लो, 8 को इधर ले आओ, b का वैल्यू निकल जाएगा 1960 डिवाइड बाई 8, इसको डिवाइड करो, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 2 टाइम जाएगा, ये 8 है ये 19 है, 2 टाइम जाएगा 16,
19 माइनस 16 कितना बचा? 3। 3 6 के साथ मिलके बनाएगा 36, फिर वो 4 टाइम्स आएगा। 32 माइनस करेंगे 36 में 4 बचेगा, 4 जीरो के साथ मिलके बनाएगा 40, ये बनाएगा 5। तो जो B है वह आ गया 245। बी आ गया 245। अब इसको इक्वेशन वन में फिर से पुट कर दो, फिर A का वैल्यू आ जाएगा, या इक्वेशन इस टू में भी पुट करोगे तो भी आ जाएगा, किसी में भी कर सकते हो। इसमें पुट कर देते हैं, इसमें A का वैल्यू क्या है? A का वैल्यू है 9b प्लस 41, तो b का वैल्यू 245 रखो, 9 इंटू 245 प्लस 41, पहले मल्टीप्लाई करो इसको, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 45 का 5, 4 बच गया, 9 इंटू 4 36 और 4 बचा है उसके सामने जो बनाएगा 40, 0 आ गया, 4 फिर से बच गया, 9 इंटू 2 18, 18 और 2 हो जाएगा 22 प्लस 41, ये दोनों को ऐड करो, 5 और 1 होगा 6, 0 और 4 होगा 4, 2 और 2, ये आ गया A, A का वैल्यू भी आ गया हमारे पास, B का वैल्यू भी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है उसके डिजिट का सम पूछा है यहां पे। इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है? एक 245 आया और एक 2246 आया, तो लार्जेस्ट नंबर A है, लार्जेस्ट नंबर A है, यहां पे भी पता है हमें A B से बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वह A है और इसके डिजिट का सम, तो डिजिट का सम निकाल लेते हैं लार्जेस्ट नंबर का, डिजिट का सम, इसका डिजिट का सम क्या होगा? कौन कौन से डिजिट है? 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, तो इसका डिजिट का सम आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, तो इसमें 14 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट कर लो, इसका क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी। इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5? इसको देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखते हैं सॉल्यूशन 33। क्या बोला है? इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर एन द रिमाइंडर इज 2, एन एक इंटीजर है, इसको 5 डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर है वो मिलता है 2, रिमाइंडर है 2। तो पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5, इफ 7n 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है हमें, ये पूछा है, तो इसको देखना, इसको देखना, अगर n को 5 से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर बचा है 2, और पूछा 7n को 5 से डिवाइड करना है तो क्या बचेगा, तो सिंपली n के वैल्यू पे जो रिमाइंडर दिया है उसको रख पुट कर देना एन। अब ये चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी देखो 5 से डिवाइड कर रहा है, इसमें भी 5 से डिवाइड कर रहा है, और एन को डिवाइड करने पे 2 बचा है, तो हमें पता है एन को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है, 2 मिलता है, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 7 पहले से है, यहां पे एन को 5 से डिवाइड करने पर मिलता है हमें 2, यह हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है, तो ये 7 एन कैसे हो गया, ये 7 पहले से था, n को डिवाइड करने पे मिला 2 रिमाइंडर, और 5 से डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व कर दो,
ये हो जाएगा 14, 7 इंटू टू 14 और ये 5, 14 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा 4, 2 टाइम्स आएगा 10, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इसमें होता है ऐसे, देखो ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, यहां समझने के लिए बता रहा हूं मैं। अगर बोला है n 3 से डिवाइड है और रिमाइंडर जो है 2 मिलता है, तो 5n प्लस 2 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? अगर ऐसा पूछा जाए, अगर ऐसा पूछा जाए ना, तो याद रखना सबसे पहले चेक करना है कि क्या जिसमें जो डिवाइजर है और इसमें भी जो डिवाइजर है वो सेम आएगा, ये दोनों सेम है, ये सेम है, सेम होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम है ये भी, सॉल्व सेम है, ये भी सेम है। हमें निकालना है 5n प्लस 2 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 5n प्लस 2 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। और हमें पता है n को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आता है, n को डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आता है। तो इसमें सिंपली पुट करना, n की जगह में 2 पुट करना, डायरेक्टली यहां पे n की जगह में 2 पुट करना है, क्योंकि n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है। ये अलग पार्ट है कि इसका सॉल्यूशन, अब इसको देखते हैं ये क्या होगा। इसमें देखना इसको निकालना है हमें, तो 5 को लिखो जैसे दिया वैसी, 5 को लिखो, बस n की जगह में 2 होगा, बाकी सेम रहेगा, n की जगह पे यहां पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 10 प्लस 2 क्या होता है, 12 डिवाइड बाई 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जो रिमाइंडर दिया रहता है, अगर n को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर दिया रहता है उसको सिंपली n के वैल्यू में पुट कर दो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में पूछा जाता n स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, अगर n को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 है, तो n स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तब क्या हो जाता है, ये तब हो जाता n की जगह में सिंपली 2 पुट कर दो, जो दिया है वो पुट कर दो, तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। फिर सॉल्व कर दो इसको, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3 करने से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, ये हो जाता आंसर। अच्छा कॉन्सेप्ट, ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछ देगा, इसमें पूछ देगा, और नया क्वेश्चन देखो, इसमें नया क्वेश्चन देखो, n को 11 से डिवाइड करने पर, n को 11 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आता है, n को 11 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आता है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 को 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन। n को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आता है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो सिंपली कुछ नहीं करना, सॉरी इसमें आएगा 11 आएगा नीचे, इसमें आएगा 11, n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो सिंपली जो n है उसके जगह में 7 पुट कर देना है, क्यों, क्योंकि n को डिवाइड करने पे आता है, n को डिवाइड करने पे आता है 7, तो जो n है वहां पे 7 पुट कर दो, n की जगह में 7 हो जाएगा, तो यहां पे 7 होगा, ऊपर में स्क्वायर है प्लस, फिर n आया, ये 7 हो गया माइनस 10 डिवाइड बाई 11।
अब इसको सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 7 माइनस 10 डिवाइड बाय 11। इसको सॉल्व करो, 49 प्लस 7 कितना होगा 56, 56 माइनस 10 कितना होगा 36, 56 माइनस 10 होगा 46, 46 डिवाइड बाय 11, 46 डिवाइड बाय 11 करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 11 इंटू 4 होता है 44 और यहां पे है 46, मतलब इसमें रिमाइंडर आएगा 2, 2 रिमाइंडर आएगा, यहां पे आएगा 2 रिमाइंडर। तो ये भी अच्छे कॉन्सेप्ट का है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, कुछ नहीं करना रहता है, एकदम सिंपल रहता है, जो दिया रहेगा n से डिवाइड करके दिया है, 3 से डिवाइड होता है तो दिया है 2, तो जहां जहां n है वहां वहां पे 2 पुट कर दो, अगर बोला है n को 17 से डिवाइड करने पर 50 रिमाइंडर मिलता है, और 7n प्लस 9 को फाइंड करना है, 7n प्लस 5 को 17 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर, ये पूछा जाएगा, तो वही फिर से n का वैल्यू 50 पुट कर दो वहां पे। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन होता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन, और देखेंगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अभी हम लोग ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है।